फिल्मों में मैं मुंबई आया था मैं 3 जून 1981 को, और मुझे 3 साल लगे काम ढूंढने में। मेरी पहली फिल्म सारांश रिलीज हुई थी 25 मई 1984 को, तब मुझे कम से कम 28 साल हो गए हैं और मैंने 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। और क्या है कि जब आप देश के लिए एक व्यक्तित्व बनते हैं फिल्मों के जरिए या किसी भी काम के जरिए, तो आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी का बोझ भी आता है। आप सिर्फ एक अभिनेता या एक आर्टिस्ट या एक सिंगर ही नहीं बनते, आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जिसके लिए आपका दायित्व होता है कि वो भी देश के लोगों को, देश के बच्चों को एक मार्गदर्शन दे। और 28 साल हो गए मेरे फिल्मों में और अभी 28 साल और काम करूंगा। 50 साल फिल्मों में काम करो, यही दुआ है अलीगंज सिटी परिवार का। सर, आपने अभी बताया आपकी पहली फिल्म थी सारांश। इस फिल्म में आपने जो स्थिति दिखाई है फिल्मों में, उस जमाने की स्थिति और आज की स्थिति में क्या अंतर है, या वैसी स्थिति आज भी आपको दिखाई देती है? मैंने 28 साल पहले अपनी पहली फिल्म सारांश में अनजाने में अन्ना हजारे साहब का रोल किया था। सारांश का वो बूढ़ा लड़ता है भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे वो कस्टम डिपार्टमेंट में था उस समय या चाहे वो किसी भी क्षेत्र में था। स्थिति फिल्मों की अभी बहुत अच्छी है, सिर्फ फिल्में जो है एक माध्यम है लोगों का मनोरंजन करने के लिए। मनोरंजन के साथ साथ अगर उसमें बीच में कहीं कोई सीख आ जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। मगर आज मैं यहाँ आया हूँ, मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर सेलिब्रेशन हो रहा है। मुझे लगा कि मैं पूना तक आया हूँ अपनी किताब के विमोचन के लिए, और मेरा दिल नहीं किया कि मैं वापस जाऊँ बिना आप लोगों को मिले, बिना अन्ना साहब को मिले। तो मैंने सुरेश जी को फ़ोन किया कि मैंने कहा मैं आना चाहता हूँ, और यहाँ आके जो मैंने आप लोगों का आज डिस्प्ले देखा टैलेंट का, जिस तरह से आपने डांस, योगा, मार्शल आर्ट्स ये सब किया है, उससे पूरे देश को एक सीख मिल सकती है। पूरे देश के स्कूल के बच्चों को यहाँ एक हफ्ते के लिए आना चाहिए और जानना चाहिए कि देशभक्ति क्या होती है, डिसिप्लिन क्या होता है, इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है। तो मुझे यहाँ आज बहुत सीखने को मिला है। सर, मैं आपसे एक थोड़ा सा अलग प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपकी आंखों में एक मुस्कुराहट है, कुछ नॉटी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। प्रश्न ये है सर, जब हम आपकी फिल्म देखते हैं उसमें आप विलन होते हैं, अरे आप पीछे पड़ गए, तकलीफ देते हैं जो हीरो होते हैं उनको, और जब हम गांव वाले घर में बैठकर आपकी फिल्म देखते हैं तो हमारी जो पुरानी माँ बहना है वो आपको गाली देती है, आपको कैसा लगता है? उनको तो गाली देनी चाहिए, विलन की फोटो पे माला बहुत चढ़ाते हैं, अच्छा करती है। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने रोल में कामयाब हुआ हूँ। जब मैं अच्छे इंसान का रोल करता हूँ तो वही माँ बहने दुआएं देती है, जब मैं बुरे इंसान का रोल करता हूँ तो वही माँ बहने गाली देती है। ये तो मेरा काम है रोल को अच्छे तरीके से करना। मगर आप विलन के पीछे क्यों पड़ गए? आप तो बहुत सारे फिल्मों में विलन के रोल की बात नहीं, मगर तो हमें ये पैसा मिलता है, ये गलत बोल रहे हैं ना, झूठ बोलो। हाँ, मैंने लास्ट विलन का रोल किया था 12-15 साल पहले। मेरा एक विलन का रोल बहुत मशहूर हुआ था डॉक्टर डैंग का कर्मा फिल्म में। कल अन्ना साहब के विचार पर लोग अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर बता रहे थे कि अन्ना साहब ने एक स्लैप के बारे में बात करी थी। मैं आपकी इजाजत से लेकर बात करना चाहता हूँ इसके बारे में। मुझे लगता है कि अन्ना जी पॉलिटिकली करेक्ट जरूरी बातें करना नहीं समझते, जरूरी नहीं उनको कि ये वही बात करें जो लोग सुनना चाहते। ये गांव से जुड़े हुए हैं, जमीन के इंसान हैं, इनको जो महसूस होता है वो ये बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसका बवंडर उछाला, अरे ऐसा कैसे बोल दिया कि भ्रष्ट नेताओं को थप्पड़ मारना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो रजनीकांत जी हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन साहब हैं, चाहे वो कमल हसन साहब हैं, हर इंसान ने भ्रष्ट नेता को फिल्मों में थप्पड़ ही मारे हैं। तो ऐसी कोई अलग बात नहीं कही, पर
आप क्या पूछ रहे थे? तो मैं बार बार इस बात पर वापस इसी बात पर आ रहा हूं कि आप लोगों ने आज मेरी आंखें खोली है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, किस पैमाने पर यहां काम हो रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अन्ना जी की ग्रेटनेस तो है ही है, आप लोगों की ग्रेटनेस उससे भी बड़ी है। मुझे इन्होंने कहा कि ये जो बच्चे फेल होते हैं हम उनको भर्ती करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में या दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में पावर ऑफ फेलियर की बात करता हूं, कि फेलियर की कितनी पावर है उसके बारे में बात करता हूं। उसके लिए मेरा एक किस्सा है जो मेरे पिताजी ने मेरे साथ मेरे मन से कैसे फेलियर को निकाल दिया था। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था शिमला में, और हमारे मोहल्ले हमारे शिमला में एक बहुत अच्छा खाने की जगह थी, रेस्टोरेंट अल्फा रेस्टोरेंट। हम चूंकि गरीब परिवार के थे इसलिए उस रेस्टोरेंट में हम सिर्फ एक दिन 6 महीने में एक बार जाते थे। तो अभी हमें 2 महीने हो गए थे वहां गए हुए, अब उस जगह हमें 4 महीने के लिए 4 महीने बाद जाना है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था और शिमला में आप एग्जाम देने के बाद आपको 11वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया जाता है, और 2 महीने बाद जब रिजल्ट निकलता है और अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको वापस 10वीं कक्षा में डाल दिया जाता है। तो बड़ी बेइज्जती महसूस होती थी। तो एक दिन मेरे पिताजी मेरे स्कूल में आए 3:30 बजे और उन्होंने बोले, भाई तुम आओ स्कूल से छुट्टी कर लो, चलो तुम्हें चाय वाय पिलाता हूं। तो मैंने उनसे पूछा कि कहां पिलाओगे, मुझे लगा कि अभी अल्फा में तो अल्फा रेस्टोरेंट में तो गए 2 महीने ही हुए, अभी वहां तो 4 महीने बाद जाना है, तो मुझे लगा अभी किसी छोटे मोटे ढाबे पे ले जाएंगे। मगर उन्होंने कहा कि चलो अल्फा रेस्टोरेंट ही ले चलता हूं तुम। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे पिताजी की जो आमदनी है सिर्फ 90 रुपए है एक महीने की, उसमें से कैसे ये दोबारा मुझे इस अच्छी जगह पर ले जाएंगे। मगर उन्होंने मुझे वहां खिलाया, अच्छी कॉफी पिलाई, सैंडविचेस खिलाए, और उन्होंने मुझे पाइनएप्पल पेस्ट्री खिलाई, दूध भी खाई। तो मुझे लगा पता नहीं पिताजी को क्या हो गया। तो मैंने उनसे पूछा कि पिताजी आप ये सब किस बारे में खिला रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारा रिजल्ट पता किया, तुम फेल हो गए। तो मैंने कहा फेल हो गया हूं तो ये सब किस लिए? कहते मैं तुम्हारे फेलियर को सेलिब्रेट कर रहा हूं ताकि आगे जाकर जिंदगी में अगर कभी तुम फेल हुए तो फेलियर से डरना मत। फेलियर जो है वो जिंदगी में बहुत ज्यादा सिखाता है। तो आज आपकी जो बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया काम, और सवाल पूछना चाहते आपका आदर देख रहे हो। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनमें से बहुत सारे कलाकार हैं, यदि इनमें से कुछ कलाकार फिल्मों में काम करना चाहेंगे तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? इसके मेहनत करनी चाहिए। डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, IAS ऑफिसर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप चाहें कि आपका अगर आप चाहते हैं कि आपका करियर 28 साल 40 साल चले तो मेहनत और सिंसेरिटी का कोई दूसरा सानी नहीं, सिर्फ मेहनत ही करनी है। और चलिए आज मैं रालेगांव सिद्धि के लिए एक बात अनाउंस कर देता हूं, पॉपुलर बात है। मेरा एक एक्टिंग का स्कूल है बॉम्बे में, जो बच्चा यहां से मेरे स्कूल में ज्वाइन करना चाहेगा हर 3 महीने में रालेगांव सिद्धि के हर एक बच्चे को मैं मुफ्त शिक्षा दूंगा एक्टिंग। गांव से अन्ना हजारे जैसे इंसान आए हैं तो मेरा फर्ज बनता है सिर्फ मैं बातें ना करूं। आप 16 साल के जब हो जाएंगे और आपको लगता है कि आपको फिल्मों में काम करना है, हमारा बैच 3 महीने का होता है, 3 महीने पूरी जिंदगी भर जो भी रालेगांव सिद्धि से सेलेक्ट होकर मेरे स्कूल में आएगा मेरे स्कूल में उसको 3 महीने बिल्कुल मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे इस कलाकारों को इतना सम्मान दिया। आखिरी 2 ही सवाल है, उनमें से एक सवाल है, फिल्मी जीवन और आपका वास्तव जीवन में क्या अंतर महसूस होता है? फिल्मी जीवन मेरे जीवन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। जैसे तरखान काम करता है, जैसे एक होटल में काम करता है इंसान, जैसे एक एयरपोर्ट पे काम करता है, फिल्मों में भी काम करना वैसा ही है। जस्ट बिकॉज फिल्मों के कलाकारों के बारे में लिखा जाता है पर्दे पे, आप उनको 70 mm पर देखते हैं, पर काम में उनमें
और एक आम काम करने वाले में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सो काम जो है मेरी जिंदगी का एक अंश है, वो मेरी जिंदगी नहीं है। जिंदगी ये है कि मैं आज यहां आया हूं, आप लोगों से मिलने आया हूं, मेरी आपकी पहचान सिर्फ फिल्मों के जरिए है, मगर मैं एक नागरिक हूं और मेरे बहुत सारे शौक हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूं कभी कभी, कभी कभी मैं फिल्में देखता हूं, कभी कभी मैं भ्रमण करता हूं, लोगों के लग जाता हूं, मगर मैंने रियलाइज किया 5-7 साल पहले कि फिल्मों के और एक्टिंग के अलावा भी जिंदगी है। तो मैं फिल्में तो करता रहूंगा क्योंकि वो मेरा पेशा है, लेकिन मैं अगर लोगों के साथ आदान प्रदान कर सकूं विचारों का तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। आप अलग अलग फिल्मों में अलग अलग रोल निभाते हैं, चलिए तो अच्छा शुरू किया। आपने कर्मा में जो रोल निभाया उसके कुछ डायलॉग यहाँ पर आप बोल के दिखाइए। अन्ना हजारे साहब ने पिछले 2011 में बहुत अच्छी लाइनें बोली, मगर कर्मा में एक सीन है जहां दिलीप कुमार साहब मुझे थप्पड़ मारते हैं क्योंकि मैं इंटरनेशनल टेररिस्ट होता हूं। उस थप्पड़ के बाद मेरा एक डायलॉग था जो बड़ा मशहूर हुआ था, राणा विश्व प्रताप सिंह, डॉक्टर टैंक क्रिएट्स वॉर। डॉक्टर टैंक को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है, इस थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? अब जब तक तुम जिंदा रहोगे इस गूंज की गूंज तुम्हें सुनाएगी। राणा, मुझे तुम्हारा ये थप्पड़ कभी भूलेगा नहीं। आपने कहा मैं तो बहुत सारे रोल करता हूं, ये तो मैंने कहा नहीं, ये वास्तविकता है। अरे विलन का डायलॉग आपने बोल दिया, तो हीरो का एक डायलॉग आप तो पीछे ही पड़ गए। आपने कहा बहुत सारा समय, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है आपसे बात करता, आप अच्छा मुझे। एक बात मैंने और नोट किया, रालेगांव से दिल के लोग सब लोग मुस्कुराते रहते हैं, कितनी अच्छी बात है। कहां इतने सारे सामूहिक रूप से इतने सारे लोग मिलते हैं, सीधा मंदिर से यहां तक आए, हर लोग मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब आप सब लोग मन से खुश हैं। और मन से खुश जो होता है इंसान वो सच्ची बात बोलता है। मेरी ताली मार क्या है कि एक्टर को आदत होगी हर 5 मिनट बाद ताली पड़नी चाहिए। मेरी पहली फिल्म सारांश थी, उसमें सीन था कि मैं अपने 927 साल का था और मैंने 65 साल के बूढ़े की भूमिका की थी। वो अध्यापक था, ईमानदार था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता था। तो उसका जो बेटा है वो न्यूयॉर्क में अमेरिका में किसी कारणवश मारा जाता है और उसकी अस्थियां लेने के लिए ये बूढ़ा अपने दोस्त के साथ वो अस्थियां लेने कस्टम ऑफिस जाता है। और जैसा कि भ्रष्टाचार होता है कस्टम ऑफिस में, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से पांचवी जगह उसको भेजा जाता है। और कोई बोलता है 200 रुपया दे दो, कोई बोलता है 500 रुपया दे दो। फाइनली जो है ये बीवी प्रधान, मेरे कैरेक्टर का नाम था, वो तंग आ जाता है और वो कस्टम कमिश्नर के ऑफिस में घुस जाता है। और कस्टम कमिश्नर उसको कहता है कि मैं जानता हूं आप मेरा दरवाजा खोला, आप टीवी लेने आए हैं। तो मैं बोलता हूं टीवी लेने नहीं आया हूं, मैं अपने मरे हुए बेटे की अस्थियां लेने आया हूं। एक बाप का अपने बेटे की राख पर कोई अधिकार है या नहीं, या उसके लिए भी मुझे नीचे रिश्वत देनी पड़ेगी? ये मेरा डायलॉग था और जो मुझे आज तक याद है। और एक और अच्छा डायलॉग था डैडी फिल्म में, याद करने पर बीता हुआ सुख भी दुखी देता है, ये दो डायलॉग आपको मैंने सुना। और कुछ बोलना चाहूं? नहीं, अभी आप हमारे गांव में आए और हमारे लिए, हमारे गांव के लिए बहुत सारा समय आपने दिया। हमारे गांव वालों के मन में जो आशंकाएं थी, जो प्रश्न थे, उनके आपने जिस ढंग से जवाब दिए, आप तो अभी हमारे गांव के मेहमान नहीं, आप तो हमारे रालेगंज सिटी परिवार के ही बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हमारे गांव की ओर से धन्यवाद देता हूँ और आपको विनती करता हूँ कि आप और रालेगांव सिटी में तो चाबी और ताली की भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सुना है हर दरवाजा खुला रहता है,
जहां अन्ना रहते हैं वो जो मंदिर खुला का खुला, तो मैं तो किसी भी घर में जा सकता हूँ। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, भाषण के बाद और अन्ना जी के बोलने के बाद मुझे कुछ खिला देना बस। आपकी बातें सुनकर ही हमारा पेट भर गया है। आपका पानी छोड़ दीजिए, आपको भूख है, आपका तो यहाँ हर घर में आपको दावत है, आपको सब बुला रहे, लेकिन आप अन्ना जी के साथ बात करने वाले, मैं आपको फिर धन्यवाद देता हूँ और आपको भाषण करने की विनती करता हूं। अच्छा, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं बिल्कुल अपने दिल से, अपने वास्तविकता से, अपने जज्बात से मैं यहां आया हूं। मुझे लगता है कि किसी भी आंदोलन की शुरुआत केवल चंद लोग करते हैं और वो आंदोलन धीरे 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 एक सैलाब की तरह बन जाता है, पूरा देश उसमें शामिल हो जाता है। ये हुआ 2011 में, अन्ना जी और इनके कुछ सहयोगियों ने एक आंदोलन की शुरुआत की और 2011 के अंत तक वो शुरुआत एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गई। बहुत सारी कोशिश की जा रही है इस आंदोलन को पीछे ले जाने की, बोलने की कि ये सब अब इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, अन्ना जी और उनकी टीम के अलग अलग लोगों के बयानों के बारे में कोई नुक्ता नुक्ता चीनी की जाती है, मीडिया की तरफ से उनको जो ये बताया जाता है कि ये गलत है उनके खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। मगर मेरे दादा कहा करते थे कि जब आप सच बोलते हैं तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती है। ये जो एक सैलाब, ये जो एक आंदोलन अन्ना हजारे साहब ने शुरू किया है, ये देश की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। आज हम अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस गणतंत्र दिवस में सिर्फ एक दूसरे को मैसेजेस भेजना कि हैप्पी रिपब्लिक डे बहुत सिर्फ जरूरी नहीं है। वो हैप्पी कैसे होगा? वो हैप्पी तभी होगा जब हमारे देश से भ्रष्टाचार कम होगा और खत्म होगा। अगर अगले आने वाले सालों में बहुत सारे लोग आपका, राले गांव के हर इंसान का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने अन्ना हजारे साहब जैसे व्यक्तित्व को जन्म दिया इस गांव में, आने वाली पुश्तें, आने वाले बच्चे, आने वाले ग्रैंड चिल्ड्रन इस बात को मान के चलेंगे कि अन्ना हजारे साहब ने देश को एक नई दिशा दी है। मैं कैसे अपने आप से झूठ बोल सकता हूं? मैं कैसे पूना तक आ सकता हूं और फिर पता है कि अन्ना हजारे साहब राले गांव में रहते, मैं ना मिलूं उनसे? तो आज हर भारतीय का एक कर्तव्य है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज जरूर उठाए, क्योंकि आवाज उठाना भी आपका एक मौलिक अधिकार है, जिस तरह आपका अधिकार है मौलिक ड्यूटी निभाना, अपने फंडामेंटल राइट्स को, अधिकारों को उसको उपयोग करना, उसी तरह से आपका फर्ज बनता है कि आप इस पैगाम को देश के बच्चे बच्चे तक, देश के बुजुर्गों तक, देश के बड़े लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमें एक समृद्ध देश मिल सके। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोगों का नाम सजेस्ट हो रहा है और जो बहुत वाकई डिजर्व करते हैं भारत रत्न के लिए, बहुत सारे लोगों का नाम सजेस्ट हो रहा है, सब डिजर्व करते हैं। मगर आज के दौर में अगर कोई इंसान भारत रत्न डिजर्व करता है तो अन्ना हजारे। जब अन्ना जी का अनशन दिल्ली में शुरू था तो आप उस अनशन में शामिल हुए, तो आप वहां आकर हीरो बने थे, तो हीरो से हीरो कैसे बने? पहली बात तो मैं हमेशा से हीरो था। मैंने कभी अपने आप को विलन नहीं समझा, मैंने बहुत कम रोल विलन किए हैं जो बहुत पॉपुलर हुए। मैंने भ्रष्ट नेता का भी रोल किया है जिसको अंत में हीरो से मार पड़ती है, थप्पड़ पड़ते हैं, घूसे पड़ते हैं। तो मैं अभिनेता होने के अलावा, फिल्मों में काम करने के अलावा, भारत का एक नागरिक भी हूं जो देश के बारे में सोचता है, देश में क्या हो रहा है उसके बारे में सोचता है, जागरूकता रखता हूं। तो जब अन्ना साहब का अनशन जंतर मंतर में हुआ तो मैं पूना में ही शूटिंग कर रहा था और मैंने सब सुना, देखा टीवी पर, तो मेरे अंदर के नागरिक ने, मेरे अंदर के इंसान ने मुझे आवाज दी कि अगर तुम जागरूकता से जीना चाहते हो
अगर तुम एक स्वतंत्र भारतीय की तरह जीना चाहते हो तो इस आंदोलन में शामिल होना तुम्हारा फर्ज है। और वहां जाकर मैंने अपने दिल की बात कही, मैं हीरो नहीं देश का एक सच्चा नागरिक बना, ये मेरा